मिली कि कुछ लोग अवैध रूप से जाल लगा करके मछली का शिकार कर रहे हैं। तत्काल उस पर कार्रवाई की गई। अभियुक्त तो कोई गिरफ्तार नहीं हो पाया क्योंकि जंगल का फायदा उठा करके भाग लिए, लेकिन जिनको पहचाना गया ललन सलाफ सनाफ मोलाई निवासी चंदा गुलर भार, ये और इनके कम से कम 5-6 साथी थे जिनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। लगभग 50,000 का अवैध रूप से लगाया गया सामान जो मछली मारने में यूज हो रहा था उसको सीज कर दिया गया है। क्या जानकारी हो पाई है कब कितने दिनों से ये सब चल रहा था? ये तो हम एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे कितने दिनों से चल रहा था, लेकिन जैसे ही सूचना मिली तत्काल प्रभावी कार्रवाई कर दी गई है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि वन क्षेत्र में सेंचुरी वन्य जीव विहार क्षेत्र में किसी तरह का अवैध शिकार न होने पाए। इस पूरे मामले में आपकी संलिप्तता का भी मामला सामने नहीं आया? नहीं, ये देखिए जिसने ऐसी बात करी है वो बिल्कुल गलत है, 100% बेसलेस है। जो वीडियो जो ऑडियो वायरल हो रहा है टेलीफोन वार्ता का, नहीं वो सब बेसलेस है, बिल्कुल गलत है। उसमें वास्तविकता है, कोई भी जंगल जाकर देख सकता है कि वास्तविकता क्या है। कुछ राजनीतिक लोगों का भी हस्तक्षेप बताया जा रहा है इसमें? नहीं, ये देखिए ये मतलब हमारी इस पे ये हम इस पे कुछ नहीं कह सकते हैं। ठेका खुद से दिए हुए हैं इस बात का स्वीकार कर रहे हैं वो। देखिए इस प्रकार किसी ऑडियो के बारे में हमको फिलहाल जानकारी नहीं है, तो ठेका तो खैर हो ही नहीं सकता है किसी प्रकार का, क्योंकि प्रतिबंधित क्षेत्र है इसलिए वहाँ पे कोई। सर ऑडियो में वो वार्ता भी कर रहे हैं कि लाखों का न्यारा वारा और मछुआरों को आदेश भी दे रहे हैं कि डेफो के चले जाने के बाद तुम लोग लगाओ जाल लगाओ या फिर ऐसा कुछ। नहीं, उस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है।